कैसे कैसे तरीके इनके लाजवाब तरीके लूटने के, तहसीलदार पकड़ा हमने, उसके बारे में हमें पता चल गया वो पैसे ले रहा लेता है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, कोई पैसा नहीं लिया उसने, दो दिन तीन दिन देखा कोई पैसा नहीं लिया। हमने चेक किया यार पैसे कब लेता है, कहते जी लेता है, तो हमने चेक किया यार तो लेता नहीं। फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद ये घर पे ना बुलाता हो सबको, घर पे भी कोई नहीं आया जी। बड़ा हो गया यार, क्या करें यार, पैसे तो लेता है, पकड़े कैसे इसको। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, असल में वो क्या करता था, वो जिस रजिस्ट्री के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे उसकी चार लाइनें पढ़कर ही कह देता ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वापस कर देता था। और कह रहा साथ में उसका आदमी खड़ा होता था, वो कहता था फलां फलां वसीका नवीस के पास जाओ, वो लिखता है असली रजिस्ट्री। वो वसीका नवीस के पास जाता था, वो कहता था गलत लिखवा रखी है, सही करनी है, ठीक है, नहीं तो हो नहीं सकेगी, इतने पैसे लगेंगे। वो पैसे ले लेता था और उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखता था ना, पहली चार लाइनों में ही ये भी लिख देता था कि पैसे ले लिए। हाँ, बकबा बा रकबा बा हकूम बा रकम बा वसूल। तब जाके पकड़ा भाई साहब उसको, वसीका नवीस को भी पकड़ा। हमें तो पता ही नहीं चलने देते कैसे कैसे तरीके निकाल रखे हैं इन्होंने करप्शन करने के। आगे आ जाएं, ये है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, किसी भी दफ्तर में जाओगे सबसे पहले ये वाला काम होता है भाई साहब। नहीं तो बुधवार को आना, वीरवार को आना, बुधवार को आना, वीरवार को आना, वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं जितनी देर नोट नहीं उस फाइल में पकड़ा दिए जाते। भाई साहब हमने एक तरीका निकाला, आते ही सबसे पहला फैसला किया पंजाब में, एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया एंटी करप्शन मूवमेंट चला के, कि एक व्हाट्सएप नंबर है, जब आप दफ्तरों में जाओगे पंजाब में, कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगे, किसी काम को करने की कमीशन मांगे, मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, नोट नहीं निकालना, फोन निकालना, थोड़ी सी वीडियो बना के या फोटो खींच के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 बंदा जेल में अभी, 400, हर रोज दो तीन की एवरेज है भाई साहब। अब कम हो रहे हैं क्योंकि डर गए। कैसे कैसे तरीके इनके लाजवाब तरीके लूटने के। अरविंद जी, एक तहसीलदार पकड़ा हमने, उसके बारे में हमें पता चल गया वो पैसे ले रहा लेता है। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, कोई पैसा नहीं लिया उसने, दो दिन तीन दिन देखा कोई पैसा नहीं लिया। हमने चेक किया यार पैसे कब लेता है, कहते जी लेता है, तो हमने चेक किया यार तो लेता नहीं। फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद ये घर पे ना बुलाता हो सबको, घर पे भी कोई नहीं आया जी। बड़ा हो गया यार, क्या करें यार, पैसे तो लेता है, पकड़े कैसे इसको। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, असल में वो क्या करता था, वो जिस रजिस्ट्री के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे उसकी चार लाइनें पढ़कर ही कह देता ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वापस कर देता था। और कह रहा साथ में उसका आदमी खड़ा होता था, वो कहता था फलां फलां वसीका नवीस के पास जाओ, वो लिखता है असली रजिस्ट्री। वो वसीका नवीस के पास जाता था, वो कहता था गलत लिखवा रखी है, सही करनी है, ठीक है, नहीं तो हो नहीं सकेगी, इतने पैसे लगेंगे। वो पैसे ले लेता था और उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखता था ना, पहली चार लाइनों में ही ये भी लिख देता था कि पैसे ले लिए। हाँ, बकबा बा रकबा बा हकूम बा रकम बा वसूल। तब जाके पकड़ा भाई साहब उसको, वसीका नवीस को भी पकड़ा। हमें तो पता ही नहीं चलने देते कैसे कैसे तरीके निकाल रखे हैं इन्होंने करप्शन करने के। तो राजस्थान को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा दिल्ली और पंजाब के। बाकी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पंजाब है। हमारे पंजाब में कर्मचारी सरकारी नौकरी तो दी नहीं गई, कॉन्ट्रैक्ट पे जा कच्चे, बस वो धरने लगाते थे, टैंकियों पर चढ़ते थे, कोई उनको तनख्वाह 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपया तनख्वाह, कच्चे अध्यापक।
हमने कहा यार कच्चे तो घरों का रिवाज भी खत्म हो गया, अध्यापक कच्चे क्या होते हैं। हमने 12,710 अध्यापकों को उनके नाम नाम के आगे से कच्चा शब्द हटाकर उनकी तनख्वाहों में 3-3 गुना वृद्धि करके 58 साल की उम्र तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा, और हर साल उनकी पेंशन भी अपना तनख्वाह भी बढ़ेगी और भत्ते भी मिलेंगे। और 35,000 मुलाजम हैं हम अब तक, 28,000 से ज्यादा को हम पक्के कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, अब वो सरकार का हिस्सा है, सरकार के लिए काम करते। और खुशी की बात यह है आने वाले 2 दिनों में 8 तारीख को और 9 तारीख को हम 600 से ज्यादा 700 के लगभग 700 के लगभग पटवारी और 560 पुलिस में सब इंस्पेक्टर, 8 तारीख को पटवारी 9 तारीख को पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ये इसी 3 दिनों में 1200 से ज्यादा नौकरियां इन 3 दिनों में हम देंगे अगले आने वाले 3 दिनों। और एक आदमी मुझे मिला, मैं कहीं गांव में गया, वो दूध का काम करता था, दूध बेचने का काम करता था। उसने कहा जी मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहते जी मैं दूध बेचने का काम करता हूं, मेरे जो ग्राहक हैं वो कभी 3 महीने में मेरे पैसे देते थे, कभी 4 महीने में पैसे देते थे। अचानक क्या हुआ कि वो जब आपकी सरकार आई उससे कुछ महीने बाद वो हर महीने पैसे देने लगे मुझे दूध के। मैंने कहा भी आप तो 3-3 महीने मेरे पैसे नहीं देते थे, अब हर महीने पैसे कैसे देते हो? वो कहते जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली का बिल 0 कर दिया, हमें 5-7 हजार रुपया महीना बिल आता था वो बचने लगा है, हम लोग आपका पैसा देने लगे। जो कहां कहां तक ये पैसा काम आता है भाई साहब। तो कर्मचारियों के लिए खास गारंटी कि उनको पक्का भी करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे और सरकार में उनकी उन्नति तरक्की भी होगी। अभी हम रोज पंजाब में हर महीने में 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट के। कभी एक लड़का आया वो कह रहा जी इसी सरकार में इसी साल में ये मेरी 3री नौकरी है। मैंने कभी 3 नौकरियां कैसे? वो उन्होंने बताया अफसरों ने कि जी पहले इसने क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट में आ गया तो ये क्लर्क बन गया, आपसे आपके हाथों से क्लर्क का इसने नियुक्ति पत्र लिया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, हेड क्लर्क का पेपर दिया वो भी पास कर गया, आपके हाथों से ये हेड क्लर्क का ले गया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, अब ये SDO बन गया, बिजली बोर्ड के में लगेगा, आज SDO का नियुक्ति पत्र लेने आया है। एक साल में 3-3 मौके मिल रहे हैं भाई साहब, जहां 70 साल में एक भी नहीं मिलता था। तो ये गारंटी तो हमारी, हम काम करके आए हैं। दिल्ली में लाखों 10-12 लाख युवाओं को नौकरी दे रही है, उसका प्रबंध किया रोजगार का अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि इतनी रिचने LG ये वो करता है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। सो इन पर यकीन मत करना, जो ये खास तौर पे ये BJP वाले ये जुमलेबाज हैं, नए नए जुमले बनाते हैं भाई साहब। अभी मुझे पता चला है कि जो हॉस्टल हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, जहां बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने वाले हमारे युवा, हॉस्टल की फीस पर भी 12% GST लगाने जा रहे हैं। हॉस्टल की फीस पर 12% GST, इसका मतलब कभी भी बोल सकते हैं मोदी जी एक नारा कि ना खुद पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। ना पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे भाई साहब। कभी खुद हॉस्टल में रहे हो तो पता चले, अब 4th क्लास में तो होता नहीं है हॉस्टल के, कैसे खर्चे पूरे होते हैं, कैसे फीसों के खर्चे पूरे होते हैं, कैसे मेस का बिल देते हैं, कभी रहे हो तो पता चले। तो ये भाई साहब हर रोज, मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, सामने बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है।
मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब उस समय। हद है यार, हद है, किसी बात पे तो आ जाओ, कोई तो सच बोल दो देश को। जो आता है बीजेपी वाला झुमले झुमले, बीजेपी वालों के साथ पता कितना लोगों ने अब विश्वास कर लिया है इस बात का, बीजेपी पर विश्वास कर लिया, ये झूठ ही बोल रहे होंगे। बीजेपी कुछ बड़े नेता दिल्ली से जा रहे थे शिमला के लिए कि शिमला घूम के आएंगे, गनमैन साथ में नहीं लेंगे, सिक्योरिटी सड़क पे लगाएंगे सिविल में। कितना अडॉप्ट कर लिया लोगों ने कि ये बीजेपी वाले झूठी बोलते हैं। बस में निकले अंबाला के बाद पंजाब में एंटर हुए, बस से गड्ढे में पलट गई। वहां कोई किसान काम कर रहा था खेतों में, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी, तो सिक्योरिटी को चिंता हुई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची। सर्च करना शुरू किया, उसी किसान से पूछा, भाई साहब इस कलर की और इस नंबर की एक बस थी, देखी? कहता हाँ। कहाँ गई? कहता इस गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहाँ गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहते इसका मतलब उसमें सभी जो नेता सवार थे सब मर गए थे? वो कह रहा सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा बीजेपी वाले हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये लोग ये भी यकीन नहीं करते कि ये जिंदा होंगे, ये झूठ बोल रहे होंगे, ये इतने झूठ बोले इन्होंने। भाई साहब यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और उनकी पार्टी में। हम लोग जो बोलते हैं भाई सब सच बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हमें हमारे नेशनल कन्वीनर ने बोला हुआ है, भगवंत 5 वादे करके 4 पूरे करोगे लोग कहेंगे अभी कमी रहती है, 4 करके 5 पूरे कर दोगे लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार, उससे भी ज्यादा कर दो। तो पैसा कहां से आएगा, ये वो ये सब पता है, इनकम टैक्स के कमिश्नर टायर हुए हैं भाई साहब अरविंद जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर नहीं हुए, नौकरी छोड़ी है, मतलब इनको पता है पैसा किधर से आता है, किधर को लेके जाना है, सब पता है, सब पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन पर यकीन मत करना, ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे, अभी सरकारें जो हैं आपको लॉलीपॉप देंगी, क्योंकि इलेक्शन का महीना आ गया भाई साहब, इलेक्शन के 3-4 महीने आ गए बस, ये लॉलीपॉप देने वाले महीने होते हैं। ये वो वाली बात है जैसे अभी 200 रुपए का सिलेंडर कम कर दिया ना, ये नहीं बताया कि बढ़ाया कितना था, ये बता रहे हैं कि काम कितना किया। एक किसी घर में शादी थी लड़की की, बहुत अच्छे जिम्मेदार थे, अच्छा पैसा था उनके पास, उन्होंने कहा शादी बड़ी करेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा लड़की के लिए सामान इकट्ठा किया, बहुत आलीशान बेड, अलमारियां, टीवी, सोना, जितना भी बर्तन कि बेटी को देने हैं अभी शादी में। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए, ट्रक लेके आए साथ में, भाई साहब लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर लिया, बाहर से कुंडी लगा दी, सारा सामान ट्रक में भर लिया। ट्रक में भरने के बाद डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से पूछा लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है, वो कहते जी इस कमरे में बंद है। उस कमरे का दरवाजा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है, वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसको दिया, कहते बेटा आशीर्वाद देने आए थे, खुश रहो। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, कोई भी लड़की के परिवार का मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं हुआ, कहते घर भाई लूट के ले गए लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, हमारी बेटी को 100 रुपया शगन दे गए। भाई ये हो रहा है भाई साहब आपके साथ, 4.5 साल आपको लूटते हैं और आखिरी 2-4 महीने में आपको शगन देते हैं, खुश रहो आशीर्वाद देते हैं, बस ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। तो जहां गारंटियों की बात आती है वहां केजरीवाल का नाम आता है, अब तो दूसरी पार्टियां भी हमारी तरह गारंटियां कहने लगे हैं, गारंटियां। तो गारंटी का मतलब हमारे वाली जो गारंटी है ना वो पक्की गारंटी है, क्योंकि हम 2 स्टेट में करके आए हैं, दिल्ली आपके बिल्कुल बगल में वहां से पूछ लेना, और पंजाब आपके उधर मेरी साइड गंगानगर हनुमान साइड पे है, हनुमानगढ़ साइड पे है, वहां से पूछ लेना, पंजाब के लोग यहां बैठे हैं इनसे पूछ लेना कि हम वो ही काम कर रहे हैं जो पब्लिक के हित का हो। 1 रुपया भी किसी ने पंजाब के खजाने का लूटा पिछले समय में या आज के समय में,
कोई हमदर्दी नहीं है भाई साहब, चाहे हमारा सगा हो हम उसको उठा के जेल में फेंकते हैं, हम हमारी पार्टी का हो। यही तो सीखा है अरविंद केजरीवाल जी से, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हैं, रामलीला ग्राउंड से एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली है। और पार्टी क्या है, 27 साल के 28 साल के 30 साल के पंजाब में MLA और मंत्री हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी राजनीति में आ सकते हैं। ये पैसे वालों का खेल मानते थे, लेकिन एक आम आदमी पार्टी है जो एक वॉलंटियर जो काम कर रहा है उसको ऐसे उठा के ले आती है, आजा भाई MLA बनाते हैं, आजा भाई तुझे मंत्री बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मैं कलाकार था, फेमस था, लेकिन दिल में कुछ था कि देश के लिए कुछ करना है। कलाकारी में भी मैं व्यंग भी सिस्टम पर ही करता था, लेकिन मुझे उठा के इस लेवल पे मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया एक आम गांव से निकले हुए एक लड़के को। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में तो भाई साहब बारी नहीं आती। दूसरी पार्टियां कहती जरूर हैं युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, भाई साहब आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? जवानी इनके बेटों पर ही आती है, हमारी तो बचपन से सीधी बुढ़ापे में एंट्री होती है, बस जवान यही होते हैं, यूथ के प्रधान यही हैं बस सारे। तो इसीलिए बाहर निकलो, हमने क्या लेना है ये बात छोड़ दो। अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीद वो योद्धे अगर सोच लेते हमने क्या लेना अंग्रेजों से, चलते रहो क्या कोई बात नहीं, तो फिर भाई साहब ये देश आजाद ना होता। इसलिए ये कह के निकलो कि हाँ हमने इनसे हिसाब लेना है, 70 साल का 75 साल का हिसाब लेना है। ये बात बोल के निकलोगे भगवान आपका साथ देगा।